राजकोट के आप तमाम रसिक श्रोताओं तक पहुंचने की बात आती है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे आज की सरगमी संगीत से सजी सवरी शाम को लेकर आपका ये नाची उस मोहसिन आपकी खिदमत है। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के दिग्गज गायक गायिकाओं के द्वारा गाए गए अपने जमाने के मशहूर और मकबूल गाने, वो गाने जिनका सरोकार हमारी कल से था, जिनका सरोकार हमारी आज से है और जिनका सरोकार हमारी आने वाली कल से भी होगा। यानी हर लम्हात में जो संगीत हमें सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, उसी संगीत को लेकर हम आप तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है हर वक्त जो पिछली बार हमें प्यार मिला है उससे इस बार और दुगना प्यार आपका हमें नसीब होगा। अब देखते हैं परम कृपालु परमात्मा हम पर कैसे आशीष बरसाता है कि हम आपके दिलों तक पहुंचने में कहां तक कामयाब होते हैं। ये गीत के बाद बजने वाली आपकी तालियां और न्यौछावर होने वाले आपके प्यार पर निर्भर है। बहरहाल संगीत की सरगमी शाम का आगाज करते हैं भारतीय फिल्म संगीत जगत के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए एक खूबसूरत गीत के साथ। स्टेज की दुनिया के बहुत ही काबिल और बहुत ही जाने पहचाने फनकार को मैं आप तमाम के सामने पेश करने जा रहा हूं, नफीस आनंद साहब। मैं समझता हूं कि बहुत सारा प्यार न्यौछावर हो इस होनहार कलाकार पर। Thank you.
सर्वश्रेष्ठ गीतों में इस गीत का शुमार किया गया था और बेस्ट संगीतकार, बेस्ट पार्श्व गायक और बेस्ट गीतकार के अलग अलग बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इनको नॉमिनेशन मिला था। इस फिल्म के तकरीबन 3 गानों को कुल मिलाकर 7 नॉमिनेशंस में उस वर्ष के फिल्म फेयर में शामिल किया गया था और 5 फिल्म फेयर अवार्ड अलग अलग कैटेगरी के लिए इस फिल्म ने हासिल किए थे। तो ऐसी लाजवाब फिल्म यानी राजश्री प्रोडक्शन की दोस्ती का ये खूबसूरत गीत था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक और खूबसूरत कलाकार से मैं आप तमाम खूबसूरत और प्यारे लोगों से मुलाकात करवा रहा हूं। मायावी नगरी यानी मुंबई, जो वाकई बहुत सारे लोगों की किस्मत को बहुत बुलंद बना देती है। वो सरजमी में पता नहीं क्या तासीर है उसके मिट्टी में कि जो भी वहां जाता है दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर बैठता है और इसकी शुरुआत सदियों से और बरसों से हुई और वो परंपरा आज भी ऐसे ही चल रही है।
अगली कलाकार उसी मायावी नगरी मुंबई से आपकी इस महफिल को रोशन करने आई है। किस्मत यकीनन बुलंद है क्योंकि मायावी नगरी मुंबई से इनका ताल्लुक है और फन में बहुत ही माहिर है। संगीता मेलेकर का मैं जिक्र कर रहा हूं जो अगले गीत के साथ
बार फिर से राजकोट आने का आप सब की सेवा में उपस्थित होने का मौका मिला है और गुलवंत भाई डीलावाला का मैं एक बार फिर से आभारी हूँ कि इस साल वैसे संगम क्लब के आयोजित प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर थे और एक बार फिर से उसी क्लब के अंतर्गत आप सबकी सेवा में आकर अपने गीतों के जरिए आपको एंटरटेन करने का हमें मौका मिला है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। दिवाली राउंड द कॉर्नर है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम देते हैं और जो गाना जिसे मैं गाने के लिए जा रहा हूँ, मुकेश जी का गाया हुआ एक बहुत रोमांटिक गाना है फिल्म सफर से, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिल को अगर बात करो बात कहेंगे। ये गाना जो है मेरा अपना जीवन मंत्र है, हमेशा मन से कहता हूँ कि जिंदगी अगर बहुत खुशी खुशी जीना है, बहुत हैप्पीली जीना है, खासतौर से वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, तो इस गाने की जो दो लाइनें भाई उसे अपनी जिंदगी में उतार लें कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, माँ कहो प्यारे भाई। Thank you.
जी बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलनाया। ये कमाल का गीत आपके सामने पेश किया गया ओपी नैयर साहब के द्वारा, संगीतबद्ध किया गया था और लिखा मजरू साहब ने कि बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में। आज से 40-50 साल पहले कितनी वास्तविकता लिखी गई, आज के जमाने में भी ये बात उतनी ही सच है। एक शायर कहते हैं कि जो बीत जाते हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। कि जो बीत जाते हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ये इश्क की मंजिल है यहाँ बहुत बच के गुजरना, क्योंकि चले जाते हैं जब होश तो फिर ठिकाने नहीं आते। तो इश्क का अपना एक अलग मयार, अपना एक अलग मजा, अपना एक अलग नशा है। ठीक जिंदगी का भी कुछ ऐसा ही है, कभी ये जिंदगी हमें खूबसूरत लगती है तो वही जिंदगी कभी कभी हमें बोझल भी लगती है। जिंदगी कभी हमें हंसाती है तो जिंदगी कभी हमें रुलाती है, लेकिन हर हाल में दोस्तों साथियों इंसान वही कामयाबी और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है जो जिंदगी के हर रंग रूप को खुले दिल से कबूल करते हुए शिद्दत से उसे जीता है। इसी जायके को, इसी रस को अगले खूबसूरत गीत में संजोया गया, परोया गया है और इसे आप तक पहुंचाने के लिए एक और प्रतिभाशाली कलाकार, अ सुपर नेचुरल वॉइस के मालिक नीरज पाठक आपके सामने आ रहे हैं। We don't have time.
ऐसी कमाल की फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनने के बाद आइए, बहुत सारे खूबसूरत और प्यारे लोग यहाँ जोड़े से आए हैं, मतलब युगल कपल, तो कुछ यादगार दो गाने हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। मैंने जब कपल बोला तो दो बहन वहां बैठी हैं हमारी, वो दोनों हंस पड़ी। हाँ, गलत तो नहीं बोला मैंने? अच्छा नहीं, जमाना क्या है आजकल। देखो ये इसलिए मुझे बात याद आ गई एक छोटी सी बात से कि एक जमाना था सर गणतरा साहब, सदियों पहले क्या होता था, जब शादी ब्याह का रिश्ता होता था, हाँ तो पहले ये होता था डिमांड कि भाई हमारे एक लेवल की लड़की होनी चाहिए, हमारे समाज की लड़की होनी चाहिए, समाज में हमारी ज्ञाति की, फिर वो क्या कहते हैं मेल खाने चाहिए, वो पचांग और ये वो सब जन्म कुंडली और सारी चक्कर इतने सालों से चल रही थी। आजकल जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल लड़के के माँ बाप को चिंता यही रहती है शादी की कि भाई शादी, लड़का कहता है मॉम आई वांट टू मैरी, बोले ओके नो प्रॉब्लम बेटा, लेकिन कौन है वो, तो बोले मैं नहीं बताऊंगा। माँ बाप चिंता में रहते हैं जब तक बच्चा बताता नहीं, क्यों? जमाना बदल गया, उनको ये चिंता है कि ये कहीं लड़की की बजाय लड़के से शादी ना मना ले। लेकिन ऐसा नहीं है, जमाना वो था जब मोहब्बत के तराने गाए जाते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती थी और वास्तविकता से परे होकर हम दुनिया में जीते थे अपने हम सफर के साथ, लेकिन फिर भी हमें वो हकीकत का एहसास होता था कि ये ख्वाब, ये ख्याल, ये वास्तविकता से परे जो हमारी सोच है ये गलत नहीं है, ये हकीकत ही है। आइए एक ऐसा ही उस जमाने का खूबसूरत नगमा आपको सुनाया जा रहा है जो शायद आज के जमाने में भी संभव नहीं है, लेकिन मोहब्बत कहते हैं एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया में इंसान को बहुत कुछ करने पर आमदा करता है, भले ही फिर चांद पर क्यों ना जाना हो हमें। Thank you.
बहुत नायाब कहते हैं फिल्म थी है, जिसमें कैफ भोपाली जी ने लिखा था इस गीत को और गुलाम मोहम्मद जी ने संगीत पर किया था। रफ़ी साहब और लता जी ने गाया था इस खूबसूरत दो गाने को। गाने कहते हैं कई बार फिल्में जो है वो हमारे ऊपर बहुत गहरा असर, बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। फिल्मों का संगीत भी कुछ ऐसा होता है जो हम पर काफ़ी प्रभाव डाल जाता है। इस गीत को सुनकर एक पति हमेशा अपनी पत्नी को कहा करता था कि जाने मन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बोले सच कितना? अरे बोले क्या कहूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बोले फिर भी? मैं तुम्हें बहुत, अरे फिर भी? अरे बोले वो दूर वो पूर्णमासी का चांद दिख रहा है ना? बोले हाँ। बोले बस इतना सब प्यार करता। अच्छा, पूर्णमासी के चांद के सब प्यार करते हो? बोले हाँ। बोले पूर्णमासी के चांद जो है वो मुझे, मेरे लिए ला सकते हो? बोले ला सकता हूं, अभी ले आओ। तो बोले हाँ लाओ। बोले बेवकूफ, दिन के 12 बजे ध्यान से देख, वो सूरज है और तूने आंख पे गॉगल्स चढ़ा रखी है, एक मिनट में मोहब्बत का तरीका बदल जाता है। खैर, लेकिन मोहब्बत हर हाल में बहुत खूबसूरत एहसास है, भले वो शहर में की जाने वाली मॉडर्न मोहब्बत हो या गांव में की गई एक भोली भाली और खूबसूरत मोहब्बत। मोहब्बत हर हाल में, सच्ची मोहब्बत सिर्फ दिलों में एक खूबसूरत एहसास ही जगाती है। अगला गीत बड़ी सादगी के साथ, बड़े भोलेपन के साथ पिक्चराइज किया गया है नूतन जी और सुनील दत्त जी पर, और उतनी ही संजीदगी से सुरों की अदायगी मुकेश जी और लता जी की। तो फिर क्या कहना, आइए सुनते हैं एक लाजवाब सा नगमा इन दो कलाकारों से। सावन का महीना पवन करे शोर,
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इस फिल्म में संगीत देने के लिए उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीतकार का फिल्म फेयर अवॉर्ड भी मिला था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब एक और खूबसूरत आवाज यानी हरफन मौला फनकार किशोर कुमार जी की। भारतीय सिने जगत और भारतीय संगीत जगत में किशोर कुमार जी जैसी प्रतिभा कहते हैं केवल एक ही थी और आने वाली सदियों तक एक ही रहेंगी। इसकी वजह यह है कि एक तो नहीं बल्कि अपने निजी जिंदगी को हटाकर उनकी फिल्मी दुनिया पर नजर करें तो उन्होंने कुल मिलाकर 10 अलग अलग किरदार फिल्मी दुनिया के लिए निभाए हैं जो शायद ही कोई और इंसान के द्वारा किए गए हों। निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संवाद लेखक, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, पता नहीं क्या क्या थे वे, इन तमाम पर हावी यानी एक बहुत ही खूबसूरत और संजीदा इंसान। उन्होंने जो भी गाया बहुत ही लाजवाब कर दिया अपनी सुरों की अदायगी से। मजरू साहब के लिखे अगले गीत को नीरज पाठक जी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसे
सात गानों का था, मैंने कोशिश की वो सातों सात गानों की फिल्मों के नाम लेने की, तो मैंने शुरुआत ऊपर से की सर। तो जैसे ही मैंने फिल्म का नाम बोला, पूरा हॉल जो है एक ही आवाज में बोले ऑटो बोला था। मैं डर गया, मैंने कहा क्या हो गया मेरे से। लेकिन मजा तब आता है कि इतने अवेयर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हुए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप में से कोई रिएक्शन आता है। इसलिए मैं अभी जो बोलूंगा वो उल्टे क्रम में बोलूंगा, आप देखना है कि आपकी याददाश्त कितनी पक्की है। अनुपमा फिल्म से गीत था जो आखिरी गीत गाया गया, उसके पहले फिल्म चोरी चोरी, फिर जेलर, और फिर क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू सो मच। राजकोट की बात ही निराली है, बहुत ही सटीक सुनने वाले लोग। मैं फिर एक बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, मैं संगीत में जो गुणी होता है, बहुत ज्यादा उस्ताद महारत हासिल होती है, उसे तानसेन के उपनाम से बुलाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि संगीत को समझने वाला जो गुणी श्रोता होता है वो कानसेन होता है, और राजकोट में ऐसे कानसेनों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कानसेन है। नहीं, दिल से कह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बारीकियों को आप समझते हैं, उसका मजा लेते हैं, छोटी छोटी गलतियों को भी आप पकड़ते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी देते हैं, जो मेरे ख्याल से कलाकार को कलाकार अच्छा कलाकार बनने में बहुत फायदा कराती है, बहुत कहते हैं लाभ होता है। तो ऐसे अवेयर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। थैंक यू सो मच कि आप इतनी शिद्दत से हम कलाकारों को सुनते हैं और इज्जत देते हैं। भारतीय फिल्म संगीत में हमारी धरोहर को भी बहुत अच्छे से बुना गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम, भिन्नताओं से भरा है हमारा और आपका देश हिंदुस्तान। इसकी रीत भात अनूठी, इसकी बात बात अनूठी, इसकी लोक बोलियां अनूठी, इसके त्योहार अनूठे, इसकी संस्कृति और इसका संगीत अनूठा। आइए अगला गीत राजस्थान की सरजमी की महकती मिट्टी की खूबसूरत खुशबू का एहसास लेकर बहुत ही खूबसूरती से संगीतबद्ध किया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के द्वारा, जिसे ईला अरुण जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है और संध्या पाद्य जी इस गीत को आप तक पहुंचा रही हैं। Yeah.
Bye.
पास के तेरे दिल में प्यार दीना
We are.